हेलो गाइस, सो आर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई निखिल के बारे में। सो गाइस, मुंबई का निखिल रिसेंटली बात किए रिगार्डिंग टूरिज्म एंड लॉकडाउन। सो आप खुद देख लीजिए वो क्या बोले। तो आजकल मनाली का वो मॉल रोड का दृश्य बड़ा फेमस हो रहा है। आई थिंक सोलांग वैली का दृश्य देखोगे तो और पानी पानी हो जाओगे, ऐसी हालत है उधर। और जब से जुलाई 1st से बस सर्विस खुली है इसलिए हुआ है, वहाँ के जाने के रास्ते इतने खराब है कि पूछो मत। फिर भी माइंड यू, लोग सिर्फ मनाली नहीं जा रहे, लोग लोनावला, महाबलेश्वर, जहाँ जहाँ हिल स्टेशन है उसकी उनके नज़दीक हर जगह वही जा रहे हैं। उसी से ही इकोनॉमी चलती है, इसीलिए गवर्नमेंट खोल रही है। मुझे पता है ज़्यादा करके लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में नहीं है, होटल बिजनेस में नहीं है। ज़्यादा करके लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो भूखे नंगे मरे कुछ भी हो, लेकिन रेस्टोरेंट होटल बिजनेस बहुत ज़्यादा पूरी कंट्री में सफ़र हुए हैं। तो अभी उनको थोड़ा कमाने को मिल रहा है तो कमाने दो। हाँ, थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने चाहिए। तो गलती काफ़ी लोगों की भी है जो भीड़ भड़क का करते हैं, मैं भी वहाँ पर था। तो थोड़ा हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमको जाना है, घूमना है, फिरना है, तो थोड़ा सावधानी हमको बरतनी है ताकि फिर से लॉकडाउन नहीं हो जाए, फिर से ये कोविड बैंड ना बजा दे, ताकि पैसे भी मार्केट में फ्लो करे, हमारे मेंटल स्टेट भी अच्छे से फ्लो करे। सो काइंडली थोड़ा सेफ करो ये सब चीज, मास्क पहनो पब्लिक प्लेसेस में प्लीज। सो बस गाइस, आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।